हाय फ्रेंड, सुजीत राज्य के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूँ, अगर फेसबुक पे आपने गलती से कोई पेज बना दिया है, वो पेज को डिलीट करना चाहते हो, वो पेज आपका काम कर नहीं रहा, तो उस पेज को आप कैसे डिलीट कर सकते हो। हाँ, आपने सही सुना, हम होता क्या है, कभी कभी गलती से फेसबुक पर पेज बना देते हैं और वही पेज की हमारी जरूरत नहीं होती है, हम एक्स्ट्रा पेज बना देते हैं, तो पेज को हमको डिलीट करना होता है। हम डिलीट कैसे कर सकते हैं, तो इसका आज पूरा प्रोसेस बता लूँगा। तो पहली बार चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं हमेशा लाता रहता हूँ। जैसे कि मैं अपना फेसबुक को ओपन कर चुका हूँ, फेसबुक पे देख सकते हो मेरा यहाँ पे चार चार पेज शो कर रहा है, लेकिन चार चार पेज का मैं यूज़ नहीं करता हूँ। एक पे दो पेज है जो फालतू है, तो वो फालतू पेज को हम कैसे डिलीट करते हैं। होता क्या है कि लोग जल्दी जल्दी में कुछ पेज को बनाते हैं, कुछ गलत सेटिंग करते हैं, जिससे कि होता क्या है कि इसमें व्यू भी नहीं आते हैं, कुछ नहीं आते हैं, बूस्ट नहीं होता है, तो उस चैनल पेज को हम डिलीट करना देना चाहते हैं, जिससे कि मैं न्यू पेज इसमें बना सकूँ। तो इसी तरह मैंने भी यहाँ देख सकते हैं बहुत सारा पेज बना दिया। एक पेज जैसे कि सबसे फर्स्ट में है सुजीत राजेश के, उसको मुझे डिलीट करना, वो डिलीट हम कैसे कर सकते हैं, तो ये आइए पूरा प्रोसेस का बताने वाला हूँ। अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना है अपना फेसबुक को ओपन करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ फेसबुक ओपन कर चुका, ये देख सकते हो फेसबुक आपका है, फेसबुक पेज नहीं है, ये फेसबुक आपका प्रोफाइल है। तो जैसा कि आप भी फेसबुक प्रोफाइल ओपन कर लीजिएगा, फेसबुक प्रोफाइल ओपन कीजिए तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इसके बाद आपको करना है यहाँ थ्री डॉट्स आता है, थ्री डॉट्स पर किनारे क्लिक करना है। थ्री डॉट्स पर क्लिक करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका होगा। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पेज का नीचे ऑप्शन दिया, नीचे लिख रहा है पेज, तो पेज जितना भी आप बनाएंगे यहाँ पर शो करेगा। जैसे कि मैं पेज पर क्लिक कर लेता हूँ, पेज पर क्लिक करेंगे देख सकते हैं मेरा चार पेज बनाया है मैंने, चार पेज यहाँ ओपन कर रहा है, चार पेज यहाँ पर दिख रहा है। तो चार पेज जिस भी पेज को आपको डिलीट करना है, वो पेज के किनारे देख रहे हो थ्री डॉट्स है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर इस पर क्लिक आपको डिलीट करना है, तो इसमें हम क्लिक कर लेंगे। जिसमें मैंने क्लिक कर लिया, कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। अब देख सकते हैं यहाँ स्विच का ऑप्शन दे रहा है, हम स्विच पर क्लिक कर लेंगे। अब ध्यान से यहाँ कीजिएगा, स्विच के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, अब देख लीजिएगा वो किनारे वही पेज आया है या नहीं है, वरना गलती से आप प्रोफाइल डिलीट कर दोगे सब गड़बड़ हो जाएगा, आपका पूरा प्रोफाइल डिलीट हो जाएगा, पेज भी चल जाएगा, सब कुछ चल जाएगा। तो इसलिए आप ध्यान से काम कीजिएगा। देख सकते हो ये पेज आ चुका है, अब फिर से क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। देख सकते सूर्य राजेश के है वही पेज है, पेज पर क्लिक करके भी दिखाता हूँ, आप पूरा चेक कर लीजिएगा तो ही डिलीट की जाए। देख सकते हैं वही पेज है जिस पेज को मुझे डिलीट करना था, वैसे भी आप भी चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं वही ओपन हो चुका है, वही पेज को मुझे डिलीट भी करना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आ चुका है। इसके बाद आपको करना क्या है, ये पेज ओपन होने के बाद नीचे आना है, नीचे आने के बाद सेटिंग एंड प्राइवेसी इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका होगा। इसके बाद आप कुछ और सेटिंग आता है यहाँ पे, यहाँ सेटिंग देख सकते हो जो थर्ड नंबर पे है, थर्ड नंबर के सेटिंग को आपको क्लिक करना होता है। इस पर मैंने क्लिक किया, कुछ देर का इंटरफेस लोडिंग लेता है, लोडिंग में खुल जाएगा। खुलने के बाद ये सबसे मेन सेटिंग इधर चेक करना है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो स्किप कीजिएगा तो गलती से आपका प्रोफाइल डिलीट हो जाएगा, तो सब कुछ काम बर्बाद हो जाएगा, आपका कोई पेज भी नहीं बचेगा, प्रोफाइल भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो सबसे ऊपर क्या लिखा है, पेज सेटिंग, और सबसे या नीचे क्या है, प्रोफाइल। ये मतलब गलती से भी नीचे वाला अकाउंट को में छेड़छाड़ मत कीजिए, क्योंकि ये आपका प्रोफाइल है और ऊपर आपका पेज है, तो वो पेज पर ही क्लिक करना है, क्योंकि पेज को आपको डिलीट करना है, वरना प्रोफाइल डिलीट होएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम पेज पर क्लिक कर लेंगे, इस पेज पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं वहाँ आ चुका है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आ चुका है और प्राइवेसी आ चुका है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन नेम लिखा है, नेम पर क्लिक करेंगे। नेम पर क्लिक करो तो यहाँ पर होता क्या है, आपका नाम जिस नाम से पेज बनाया है वो नाम यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, वही नाम है या नहीं है, क्योंकि यहाँ से आप नाम भी चेंज कर सकते हो। अगर पेज का नाम चेंज करना होता है वहीं से चेंज होता है, आपको नाम अपना चेक करना, जो पेज डिलीट करना वहीं से चेक होता है कि यही पेज है, आप कंफर्म यहां से हो लीजिएगा, यहां से बैक कर लेते हैं। इसके तो आपको डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए हम नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद देख सकते हो यहां पे एक ऑप्शन मिलेगा, यह एक ऑप्शन मिलता है एक्सेस एंड कंट्रोल, देख सकते हैं एक्सेस एंड कंट्रोल है जो लॉग एक्टिविटी लॉग के नीचे है, एक्सेस एंड कंट्रोल, इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका होगा, ऊपर देख सकते हैं लिखा है डीएक्टिवेशन एंड डिलीट्स, तो मतलब यहाँ डीएक्टिवेट हो भी हो जाएगा, डिलीट भी हो जाएगा, दोनों का ऑप्शन है। तो हम क्लिक करके देखते हैं क्या प्रोसेस है, इस पर हम क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करेंगे देख सकते हैं डीएक्टिवेट पेज लिखा है। अब डीएक्टिवेट पेज क्या है, डीएफटी पेज होता है क्या, अब कुछ दिन के लिए आप पेज को डिलीट कर सकते हैं, डीएक्टिवेट हो जाएगा, इसमें आप काम नहीं करेगा कुछ दिन के लिए, एक महीना दो महीने डीएक्टिवेट कर सकते हैं, मतलब ये परमानेंटली डिलीट नहीं होगा। लेकिन आपने गलती से पेज बनाया है तो इसको तो आपको परमानेंट डिलीट करना था, आप डिलीट पेज पर क्लिक कर लेंगे, डिलीट पेज पर क्लिक करेंगे, इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, एक नया ऑप्शन खुल जाएगा। अब लिख रहा है बिफोर यू डिलीट यू शायद हेल्प टू वी माई बी अवेलेबल टू हेल्प, आप अगर ये कंफर्म कर लें कि आपको कंफर्म ये पेज डिलीट करना है कि बाद में कोई चांस आपको नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कंफर्म है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर लीजिएगा, एक ऑप्शन कोई भी चूज कर लीजिएगा,
और कंटिन्यू पे क्लिक कर लीजिएगा। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो कुछ नया इंटरफेस ओपन हो चुका होगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, परमानेंट डिलीट पेज, मतलब परमानेंट अभी डिलीट होने वाला है, अब कोई ऑप्शन नहीं बचेगा आपके पास, ये पेज हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। तो इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोड इन्फॉर्मेशन, अगर आपने इस पेज पर कोई भी काम किया होगा तो वो इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूरी चाहिए होगा। तो डाउनलोड इन्फॉर्मेशन क्लिक करोगे तो आपका ये डाउनलोड हो जाएगा, आपके ई मेल आई डी पर भेज दिया जाएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन था, जो भी आपने पोस्ट किया था, सब आपको ई मेल आई डी पर भेज दिया जाएगा, चाहे वो डाउनलोड कर सकते। इसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे देख सकते हैं वो आईडी आ चुका है। यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड को डाल देना है, यहाँ अपना पासवर्ड डालिएगा, आप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा तो परमानेंट डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने पेज को डिलीट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद है प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आप कोई प्रश्न होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।